हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीटेक यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आप अपने मोबाइल को कंप्यूटर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए, अगर आप भी अपने मोबाइल को कंप्यूटर बना के यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। जैसे कि हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया, तो यहाँ पे हम डालेंगे कंप्यूटर लॉन्चर। जैसे कि देख सकते हैं आप, कंप्यूटर लॉन्चर पहले ही नंबर पे आ गया। इसको अपन ओपन कर लेंगे। तो ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो इसमें से हमको ये वाला लॉन्चर डाउनलोड करना है। इस पर अपन ओके करेंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिंग स्टार इसकी 4.1 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है और मैं यूज़ करता हूँ इसको। तो चलिए सिंपली यहाँ से हम उसको ओपन कर लेंगे। एक दो परमिशन मांगेगा, तो उसको परमिशन दे देना है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ऐप। तो यहाँ पे स्टार्ट लॉन्चर पे ओके कर दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा मोबाइल पूरा कंप्यूटर में बदल चुका है। आप यहां से और भी फंक्शन खोल सकते हैं पूरे कंप्यूटर की तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे फंक्शन आएंगे कंप्यूटर के पूरे। यहां से आप वाईफाई वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, बैटरी वगैरह देख सकते हैं अपनी। यहां से आप फ्लाइट मोड वगैरह, लाइट वगैरह यहाँ से जला सकते हैं। और जी आपका गूगल का, और जी यूट्यूब, रिसाइकल बिन, पी सी एप, यूज़र, यहाँ से ओके कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ोन लगा सकते हैं। और अगर आप इस लॉन्चर को यहीं से क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे और ये सेटिंग के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर ओके करेंगे। और यहाँ पे लॉग स्क्रीन भी कर सकते हैं और क्लोज लॉन्चर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ क्लोज करके बता देते हैं। ऐसा कर देना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लॉन्चर क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। और हमारे चैनल पे नए हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।